हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वाली टेक न्यूज़। स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा थ्री बिग प्रॉब्लम इन इन्फिनिक्स नोट 8। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज ये नहीं है कि इन्फिनिक्स नोट 8 एक बुरा फोन है। नहीं, वो अच्छा फोन है, लेकिन जितना बताया जा रहा है कि भाई इस जैसा तो कोई फोन आया ही नहीं अब तक। बहुत ही औसम फोन है, आप ये फोन ले लो, कैमरा हर चीज अच्छी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको बाकी लोग नहीं बताएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहला जो इस फोन का इशू है वो है इसका 720 पिक्सल का डिस्प्ले। अब आप बोलोगे यार इस प्राइसिंग में आप और क्या चाहोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। Redmi 9 में आपको फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलता है, और यहाँ पर आपको अगर Redmi Note 8 की बात करें तो वहां पर आपको ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ फुल HD प्लस का डिस्प्ले ही मिलता है, और इससे कम प्राइसिंग में भी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं दे सकते थे। इतनी बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पर मैंने जब Infinix Note 7 यूज किया था, मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, वहां पर ही मुझे ये बात बुरी लगी थी कि इसकी जो डिस्प्ले की क्वालिटी थी, जो इसका सनलाइट में यूज करने में थोड़ा मुश्किल होता है, फुल HD प्लस यहाँ पर डिस्प्ले देना चाहिए था। ये कोई सस्ता फोन नहीं है, Redmi Note 8 एक नॉर्मल प्राइसिंग पे आता है। खैर, अब इतनी बड़ी स्क्रीन है, 6.95 में समझो 7 इंच की स्क्रीन है और 720 पिक्सल का डिस्प्ले है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस फोन की जो विजिबिलिटी होगी, आउटडोर विजिबिलिटी, वो कैसी होगी। खैर, अब मैं बात करूं एक और इशू की, तो वो है कैमरा। नो डाउट यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का बहुत ही आलीशान कैमरा है, बैक पे दो कैमरा है, भाई क्या बात है। लेकिन रुक जाओ, समझ जाओ, यहाँ पर आपको कोई भी वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता है, जबकि नोकिया 2.4 में वाइड एंगल कैमरा मिलता है आपको, सॉरी नोकिया 3.4 में वाइड एंगल कैमरा है, और आपको Redmi 9 में वाइड एंगल कैमरा मिलता है। जितने भी बड़े ब्रांड है वो आपको वाइड एंगल कैमरा देंगे, चाहे Redmi Note 8 है, कोई भी Realme 6i देख लें, आप Realme C17 देख लें, यहाँ पर आपको वाइड एंगल कैमरा मिलता है, आपको बैक पे वाइड एंगल कैमरा मिलता है। लेकिन Infinix और सिर्फ आपको जो है 64 मेगापिक्सल का 3 लेंस देता है, एक AI लेंस है कोई, एक मैक्रो कैमरा है और एक डेप्थ कैमरा है। और सच बताऊं किसी भी कैमरा की कोई जरूरत नहीं होती, वाइड एंगल कैमरा सबसे ज्यादा काम आता है, जो कि इनके फोन्स में नहीं है। अब समझ से बाहर है कि ये फोन क्यों नहीं दिया हुआ, कोई आपको बताएगा नहीं ये बात, लेकिन यहाँ पर वाइड एंगल कैमरा नहीं है। अब मैं बात करूँ एक और इशू की, तो वो है नो वॉइस कैंसिलेशन माइक। यहाँ पर आपको वॉइस कैंसिलेशन कोई भी माइक नहीं मिलता, मतलब अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको माइक अलग से लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कोई भी ऐसा माइक नहीं मिलता, जो कि आई थिंक ये चीज देनी चाहिए थी। मतलब ये छोटी छोटी पॉइंट है, लेकिन अगर आप मोबाइल यूज करने जाओगे और वीडियो बनाओगे इस मोबाइल से, तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो आई थिंक Infinix Note 8 मेरे ख्याल में एक अच्छा फोन है, गेमिंग के लिए बेस्ट है, लेकिन ये कहना कि ऐसा कोई फोन ही नहीं आया तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।